cause of the acute pyelonephritis jo hai, that is ascending infection or root. इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल और पेशेंट विल गेट एक्यूट pyelonephritis through ascending infection. इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है इन्फेक्शन का, कर्स का, कर्स मोस्ट कॉमन कर्स फॉर pyelonephritis में. इसमें जो मोस्ट पेशेंट्स है जिनको एक्यूट pyelonephritis होता है उनको होता है थ्रू असेंडिंग इन्फेक्शन. इसमें होता क्या है, इट हैपेंस व्हेन बैक्टीरिया फर्स्ट attach to urethral mucosal epithelial cells. Firstly, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो अटैच होता है urethral mucosal epithelial cells को, और उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है then travel, ये बैक्टीरिया जो है ये फिर travel करता है to bladder, ये पहुंचता है from the urethra to the bladder, and उसके बाद ये ureters तक पहुंचता है and then kidney, और इसके थ्रू किडनी इसको इन्फेक्शन हो जाता है, that is this the kidney, यहाँ से bacteria ascending order में bacteria travel करता है to the kidneys and causes the inflammation in the renal pelvis or it causes inflammation in the kidney. This is the ascending infection or a root of pyelonephritis. Other causes of pyelonephritis, that is structural problems in urinary tract. The structural problem होगा, abnormal structure होगा, तो उसकी वजह से भी pyelonephritis हो जाता है. That is visco urethral reflex. इसमें क्या हो जाता है, इसमें back flow हो जाता है. Next one causes, that is visco urethral reflex. That is इसमें back flow होता है, back flow of urine का back flow हो जाता है to the kidney. वो bladder या थ्रू urethra पास नहीं हो जाता, बल्कि वो बैक ही जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो वो बैक फ्लो ही हो जाता है इन टू द किडनी, और जिसकी वजह से फिर किडनी में यूरिन जमा रहता है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है इन टू द किडनी. नेक्स्ट वन, ओबस्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में ओबस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से भी यूरिनरी किडनी इन्फेक्शन हो जाता है. वो किसकी वजह से, ड्यू टू किडनी स्टोन. अगर किडनी स्टोन प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से भी, या ट्यूमर्स अगर प्रेजेंट होंगे, ट्यूमर्स इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो उसकी वजह से भी ओबस्ट्रक्शन होगा इनटू द यूरिनरी फ्लो. और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ pyelonephritis. इसकी जो रिस्क फैक्टर है, दैट इज बीइंग फीमेल में इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ किडनी इन्फेक्शन है. क्यों, अगर एक फीमेल होगी उसमें क्यों चांसेस है ज्यादा किडनी इन्फेक्शन होने की, क्योंकि जो यूरिथ्रा, जो एक फीमेल का यूरिथ्रा होता है, दैट इज शॉर्टर देन मेल, वो मेन से शॉर्ट होता है. और इसमें क्या होता है, इसमें विच मेक उस शॉर्टर की वजह से क्या हो जाता है, विच मेक्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इजर फॉर ट्रेवल, क्योंकि यूरिथ्रा शॉर्ट है तो बैक्टीरिया को आसानी हो जाती है ट्रेवल होने में फ्रॉम द आउटसाइड
फ्रॉम द आउट साइड टू ब्लेडर, ये पहुंचता है जल्दी जल्दी कहां तक, ब्लेडर तक, क्योंकि यूरेथ्रा शॉर्ट है तो ये जल्दी पहुंचता है कहां तक, ब्लेडर पे, एंड उसके बाद एंटर हो जाता है यूरेटर्स और किडनी में, दैट कॉज द किडनी इन्फेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट वन ये है कि ज्यादातर फीमेल्स में क्यों होता है, नियरनेस ऑफ देयर यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा जो फीमेल को होता है वो नियरर होता है टू द वेजिना, वेजिना के वो नजदीक होता है, और एनस के भी नजदीक होता है कौन, यूरेथ्रा, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट क्रिएट्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर बैक्टीरिया टू एंटर द ब्लेडर, तो उसकी वजह से भी जल्दी ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैक्टीरिया को ब्लेडर तक जाने में। और वन बैक्टीरिया कैन एंटर इट, एंड इट वंस जो बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, इट कॉज द किडनी इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर है हैविंग अ यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज, जब यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज होगा तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उसमें भी ज्यादा चांसेस है किडनी इन्फेक्शन होने के। इसमें दिस इंक्लूडिंग द, इसकी वजह से जब यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक होगा तो जो इसमें फ्लो जो होगा, फ्लो इसमें जो फ्लो होगा दैट इज स्लो, द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन फ्लो जो होगा वो स्लो होगा, या रिड्यूसर्स द एबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लेडर, इसमें जो ब्लेडर है वो भी एम्प्टी नहीं होता है, रिड्यूस कम, इंक्लूडिंग अगर किडनी स्टोन्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से भी, तो अगर किडनी स्टोन प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से एबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट या एबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है पर्सन का, उसमें जो यूरिन है वो इजीली पास होता है, जब अब अगर एबनॉर्मली फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर होगा, नैरोनेस होगी या एबनॉर्मली फॉर्म होगा तो उसकी वजह से भी जो यूरिन है वो इजीली पास नहीं होता है, स्लो उसका जो मोमेंट है दैट इज स्लो, तो उसकी वजह से क्या होता है यूरिनरी किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी यूरिन फ्लो जो है वो स्लो होता है ड्यू टू एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड वन रिस्क फैक्टर इज दैट इज हैविंग डैमेज टू नर्व अराउंड नर्वस अराउंड ब्लेडर, अगर ब्लेडर की नर्वस जो है, जो ब्लेडर नर्वस ब्लेडर की ओर जाती है, जो ब्लेडर को फंक्शन कराती है, अगर वो डैमेज हुए होंगे या इम्पेयर फंक्शन करते हैं तो उसकी वजह से भी पाइलोनेफ्राइट्स हो सकता है। कैसे, इसमें स्पाइनल कॉर्ड या नर्व अगर डैमेज हुई होगी, उस नर्व की वजह से क्या होता है, ब्लॉक द सेंसेशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लेडर की सेंसेशन ब्लॉक हो जाती है, जो ब्लेडर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, अब सेंसेशन इसकी जो है वो लॉस हो गई है, तो उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ होगा ब्लेडर में तो सेंसेशन जब लॉस हो जाती है तो अब पर्सन अनएबल, पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि पर्सन को या तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इन्फेक्शन या अदर ब्लेडर इन्फेक्शन है, तो पर्सन जो है वो अनअवेयर होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ सेंसेशन, और दैट लीड्स टू द, अभी इन्फेक्शन उसकी वजह से बढ़ता जाता है, और दैट लीड्स टू इन्फेक्शन इन द किडनी, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है किडनी में। फोर्थ वन है दैट इज वीकनड इम्यून सिस्टम, जिस पर्सन को वीकन इम्यून सिस्टम होगा उसमें ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने की। और फिफ्थ वन इज यूरिनरी कैथेटर,
अब अगर पर्सन को हमने कैथराइज किया होगा फॉर द ड्रेनिंग ऑफ द यूरिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उस कैथराइजेशन जो है, कैथराइजेशन इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो एंटर होता है इनटू द ब्लेडर एंड दैट कॉज द यूरिनरी इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी बैक्टीरियल चांसेस ज्यादा है और दैट कॉज की वजह यूरिनरी इन्फेक्शन होता है और उसके बाद पाइलोनेफ्राइट्स हो सकता है. दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द पाइलोनेफ्राइट्स.